तो फ्रेंड देखिए, आज हमारे पास एक सिलाई मशीन की मोटर आई हुई है जिसमें कि आर्मेचर ख़राब है। इसमें हम आर्मेचर डालेंगे। हमारा ये न्यू आर्मेचर है जो कि अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। और ये हमारा पुराना आर्मेचर था जो कि पूरी तरीके से, ये देखिए इसका काम, ये पूरा का पूरा ये ख़राब है। तो हम इसको दूसरा डालेंगे, ये नहीं रिपेयर हो पाएगा, हम इसको दूसरा ही डालेंगे और हमारी मोटर जो है बहुत ही अच्छी वर्क करने लगेगी। तो आइए हम इसको दिखाते हैं कि किस तरीके से पड़ता है। ये बिल्कुल सादा आता है, इसमें बैरिंग नहीं होते हैं दोनों साइड में। हमने बैरिंग डाल लिए हैं और हम इसको इसके अंदर फिट करेंगे। फिट करने के बाद हम आपको इसको चला करके भी दिखाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, बैरिंग डालने के बाद इसको केवल फिट करना होता है। तो हमें ये देखना होता है कि इसका ये पर जो है इन कॉयलों में नहीं लगना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए हमने अपना ये फिट कर लिया है। फिट करने के बाद हम इसके ढक्कन को लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद हम इसके पेंचों को कस देंगे और फिर देखेंगे इसको चला करके। तो देखिए ये हमने इसके ढक्कन को भी फिट कर लिया है और इधर से देखिए ये हमारा सेट बीच में होना चाहिए। यहाँ पर जो कार्बन लगते हैं वो हमारे बीच में ही आना चाहिए, ना कि जहाँ पर वायर होती है वहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो हमने अपना ये इंस्टॉल कर लिया है और अब हम इसके नटों को कस लेंगे। कसने के बाद हम इसको चला करके भी दिखाएंगे। देखिए हमारा ये नट है और एक दूसरा नट जो है हम अपना वो भी कस लेंगे और कसने के बाद हम चेक करेंगे। जब तक हम कस रहे हैं और आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। देखिए हम अपने नटों को टामी की मदद से कस लेते हैं। ये 8 नंबर की इसमें टामी लगती है। तो हमने अपने नटों को फुल टाइट कर लिया है। देखिए हमने अपने नटों को फुल टाइट कर लिया और हमारी मोटर भी हाथ से घुमाने पर बहुत ही अच्छी घूम रही है। तो देखिए हम बहुत अच्छी तरीके से हाथ से घूम रहा है। अब हम इसके कार्बन को डालेंगे। कार्बन डालने के बाद हम इसको चला करके भी देखेंगे कि हमारा किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो ये हमारा कार्बन जो है अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। इसके हम ढक्कन को लगा लेंगे। ढक्कन इसका ढीला है तो हम इस पर छोटा सा कपड़ा लगा करके इसको कपड़े की मदद से इसको टाइट करेंगे। देखिए ये यहाँ पर हमने एक कस लिया है। अब हम दूसरी साइड के कार्बन को डाल लेंगे। देखिए ये भी हम चेक करते हैं, पहले ढीला तो नहीं है, शायद ये भी ढीला है। तो हम इसको भी यहाँ पर दूसरा कपड़ा लगा लेंगे। अब हम इसके दूसरे ढक्कन को लगा लेंगे। लगाने के बाद हम इसको भी कस लेंगे और देखिए हमने इसको कस लिया है। और अब हम इसको चेक करके दिखाएंगे। देखिए हमारे अच्छे तरीके से कार्बन सेट हो गए हैं और कार्बन सेट होते ही हल्का सा आर्मेचर जो है वो टाइट सा मालूम चलेगा और हमारा अच्छा अच्छा राउंड आ रहे हैं इसके। और ये देखिए मैं फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया चल रही है। देखिए ये अभी कार्बन की साइड में, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर ये कार्बन लगे होते हैं, यहाँ पर ये कार्बन की वजह से ये चलती है। और कार्बन की जगह पर हल्की सी स्पार्किंग दिखाती है। अगर ज़्यादा स्पार्किंग दिखाती है, बहुत ज़्यादा आग दिखाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा आर्मेचर शॉर्ट हो चुका है। उस स्थिति में हमें आर्मेचर को बदल देना चाहिए। हमारा आर्मेचर कभी भी शॉर्ट होकर बॉडी में करंट ला सकता है। तो आप लोग इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।